क्या हम एक ऐसे युवा नेता से मिल रहे हैं जो सिवान का प्रतिनिधित्व करेगा? अब आने वाले समय जनता बताएगी, हम कैसे बताएं? उम्मीद फादर वापसी करेंगे तो सक्रिय राजनीति। अब फादर देखिए, फादर का उम्र हो गया, अब सक्रिय राजनीति में हम हैं। अब आगे देखिए जनता का प्रेम और कितना बनता है और पार्टी का आप ना 2025 में तो 100% है कि आगे बढ़ना है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सर्स, अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हमारे स्क्रीन पर हमारे साथ हैं इस समय मुकेश कुमार उर्फ बंटी जी, पूर्व विधानसभा के विजयी प्रत्याशी व्यासदेव जी के सुपुत्र हैं। सामाजिक सरोकार में तमाम गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इस बार ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो शंखनाद हुआ है उसमें इस समय ये शामिल हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हैं कुछ राजनीतिक विषय पर भी इनसे हम बात होगी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, चुनावी वर्ष है, विद्यार्थी परिषद का शंखनाद हुआ है, आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। आज पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें सिवान में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र सम्मेलन का किया गया, जिसमें अच्छी संख्या रही छात्रों की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73 साल पहले मैंने 9 जुलाई 1949 को बलराम जी मधोक जी के द्वारा स्थापना किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नौजवानों के बीच एक अपनी पैठ बनाने का काम किया है, जो सिवान में कुछ दिन बंद हुआ था, लेकिन आज लगा कि छात्र नौजवानों के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संगठन नहीं, एक विचार है, जो विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच और सामाजिक समरसता और राष्ट्र पुनर्निर्माण के बारे में छात्रों के बीच अपनी बात रखती है। उसी में से हमारे जो कार्यकर्ता निकलते हैं, जो राष्ट्र पुनर्निर्माण अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और छात्रों के बीच हमारी जो साख है वो बनी रहती है। आप पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर अक्सर ये कहा जाता है कि ये भाजपा की छात्र इकाई है, आप ऐसी बात नहीं है। संगठन में रहते हुए भी अगर कोई काम होता है, गलत काम होता है, उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है। अच्छा मुकेश जी, करीब करीब भाजपा के सभी बड़े नेता इसके सदस्य रहे, आप इससे इनकार नहीं? देखिए, जब छात्र जीवन में जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़िएगा तो संगठन का भावना, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम की भावना में बहकर जो हमारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं वो आगे चल के या तो किसी प्रशासनिक या किसी नौकरी अल्लाह नेता के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित होते हैं। अच्छा, एक ज्ञानशील एकता, एक तीन सूत्री बातों का क्या अर्थ है, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आपके विद्यार्थी परिषद के मूल मंत्र यही। तो ज्ञानशील एकता, ज्ञान जो एक अंदर से ऊर्जा देने का काम करता है, जो हम छात्र नौजवानों के बीच ज्ञान के मतलब जो हम विद्यार्थी परिषद में जो अपने विचार रखते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं, उससे ज्ञान की अनुभूति होती है। आप चूँकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, चलते चलते एक राजनीतिक सवाल तो बनता है, क्या हम एक ऐसे युवा नेता से मिल रहे हैं जो सिवान का प्रतिनिधित्व करेगा? अब आने वाले समय जनता बताएगी, हम कैसे बताएं? उम्मीद फादर वापसी करेंगे तो सक्रिय राजनीति। अब फादर देखिए, फादर का उम्र हो गया, अब सक्रिय राजनीति में हम हैं। अब आगे देखिए जनता का प्रेम और कितना बनता है और पार्टी का आप लेकर के आगे किस लेगेसी पे? ना 2025 में तो 100% है कि आगे बढ़ना है। तो देखा आपने, हमारे साथ थे मुकेश कुमार उर्फ बंटी जी, उनकी बातों को आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।